अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर कॉलोनी, सिवान। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है और आज श्रावण मास की पहली सोमवारी है। ऐसे में भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए भक्तों की भारी भीड़ शिव मंदिर में उमड़ती है। सिवान के ऐतिहासिक महेंद्रनाथ मंदिर में आज भारी भीड़ में दबने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि दो महिला घायल हो गई। वहीं इस मामले में भावी सभापति उम्मीदवार इजहारुल हक उर्फ दरोगा खान ने अपनी संवेदनाएं जाहिर करते हुए मृतकों के लिए शोक व्यक्त किया है और इसे प्रशासन की लापरवाही बताते हुए उचित जांच करने की मांग की है। घटना सिवान जिले के सिसवन थाना क्षेत्र स्थित महेंद्रनाथ मंदिर की है, जहां भीड़ में दबने से एक महिला की मौत हो गई जबकि दो महिला घायल हो गई। मृत महिला की पहचान हुसैनगंज थाना क्षेत्र के प्रतापपुर निवासी मोताब चौधरी की पत्नी लीलावती देवी के रूप में हुई है। वहीं घायल महिला प्रतापपुर निवासी जनकदेव भगत की पत्नी शिव कुमारी और हुसैनगंज थाना क्षेत्र के शहबाजपुर निवासी दीनानाथ यादव की पत्नी अजोरिया देवी हैं। घायल शिव कुमारी के पति जनकदेव भगत ने बताया कि मेहंदार दिन में सुबह 3 बजे गेट खोलने के दौरान भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और भगदड़ मच गई। वहीं गेट के पास दबने से लीलावती देवी की मौत हो गई जबकि दो महिला घायल हो गई। घटना के बाद तीनों को सिवान सदर अस्पताल लाया गया, जहां लीलावती देवी को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। वहीं दोनों घायलों महिला शिव कुमारी और अजोरिया देवी का इलाज सिवान सदर अस्पताल में चल रहा है। परिजनों ने लीलावती देवी के बाद मौत के बाद उसे सदर अस्पताल से अपने घर प्रतापपुर लेकर चले गए। घटना की सूचना मिलते ही सिसवन थाना पुलिस और चैनपुर महादेवा ओपी पुलिस मेहंदार मंदिर पहुंची हुई है। हालांकि अभी मंदिर में स्थिति सामान्य है। वहीं इस मामले में भावी सभापति उम्मीदवार व समाज सेवी इजहारुल हक उर्फ दरोगा खान ने पूरी तरह से इस घटना का जिम्मेदार प्रशासन को बताते हुए कहा है कि जब इतनी ज्यादा भीड़ होती है तो फिर इस तरह से इंतजाम क्यों नहीं किए गए। उन्होंने मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर करते हुए शोक व्यक्त किया। अब तो हम बोझल समान हो गए, जैसे दुआई बुखार में चार बजे दुआई कम से अभी मुझे खुला बंद हो रहा दबा के लगे हुए अभी ठीक है, चार पाँच भगदर हो गए भगदर हो गए। क्या नाम है यहाँ के? शिव कुमारी। कोई आदमी ने घायल भेज दल चार पाँच दिन मरल बा जानत है कहाँ कही कहाँ घर पड़ी शाहबाजपुर यहाँ के नाम कहा शिव कुमार।